बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीशा पटेल कई सालों बाद गदर टू से वापसी कर रही है फिल्म में एक्ट्रेस सकीना का रोल प्ले करती दिखेंगी और उम्मीद है कि आप सभी को तारा सिंह और सकीना की जोड़ी एक बार फिर पसंद भी आएगी फिल्म 11 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज होगी जिसके अभी डेढ़ महीने हैं पर फिल्म को लेकर इतना हाइप दर्शकों के बीच बना हुआ है कि हर कोई इस पर बात करता नजर आ रहा है इसी बीच अमीशा ने भी फिल्म को लेकर एक बड़ी जानकारी दे डाली है दरअसल कुछ दिनों पहले गदर टू का टीजर रिलीज हुआ था उसमें तारा सिंह एक लाल कपड़े में लिपटी डेड बॉडी के पास बैठे नजर आए थे वह हाथ जोड़कर रोते भी दिखे थे इस सीन को देखकर कई लोगों ने यह सोच लिया कि फिल्म में सकीना की मौत होने वाली है ऐसे में वे कुछ परेशान भी नजर आए पर जब ये सभी चीजें अमीशा को पता चली तो उन्होंने अपनी ओर से एक ट्वीट कर लोगों को जानकारी दी कि फिल्म में सकीना मरने नहीं वाली है यह एक बहुत बड़ी स्पॉइलर है अमीशा ने ट्वीट कर वह सीन शेयर किया और लिखा मेरे सभी प्यारे फैंस आप में से कई लोग यह सोचकर चिंतित हो रहे हैं कि गदर टू में सकीना की मौत होने वाली है ऐसा मत सोचिए क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है तारा सिंह किसकी डेड बॉडी के पास बैठे हैं यह तो मैं आप सभी को नहीं बता सकती लेकिन इतना जरूर कह सकती हूं कि वह सकीना नहीं है इसलिए आप सभी परेशान मत होइए। लव यू ओनेल फैंस ने जब अमीशा का यह ट्वीट देखा तो वे भड़क उठे अमीशा की इस पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा आप फिल्म के स्पॉयलर्स क्यों दे रही हो क्लाइमैक्स भी बता दो जिससे हम थिएटर में फिल्म ही देखने न जाए सब घर बैठे पता चल जाएगा एक यूजर ने लिखा आप ये गलत कर रही है इस तरह स्पॉयलर देने से क्या होगा बता दें कि गदर 2 साल 2001 में आई फिल्म गदरा एक प्रेम कथा की सीक्वल है फिल्म को अनिल शर्मा ने निर्देशित किया है यह 11 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है फिल्म में लव सिन्हा उत्कर्ष शर्मा और सिमरत कौर अहम भूमिकाओं में नजर आने वाले हैं